मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल चले अभियान को साकार करने के लिए प्रशासन कड़ी मेहनत कर रहा है। बता दें कि कटनी जिले के माधवनगर में कैरेन लाइन के स्कूल निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर ने यहां पर एक बालक का स्कूल में दाखिला कराया। बताया जा रहा है कि बालक विकलांग श्रेणी में आता है और उसके माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिसके कारण से बच्चे को पढ़ा पाना मुश्किल था। इस बीच कलेक्टर ने इस मामले में संज्ञान लिया और बालक अनीश के माता पिता से चर्चा करके उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया और माधवनगर के कैरेन लाइन के शासकीय स्कूल में बच्चे का दाखिला करा दिया। शाला कैरेन का, जहां पर ये बालक अनीश और इसके पिताजी से मेरी भेंट हुई थी, इसमें इन्होंने बताया कि ये बालक अब पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ उनको समस्या आ रही है बच्चे को पढ़ाने में। तो इस समस्या का संज्ञान लिया गया और हमारे पास एक अधिकारी रहता है जिसको हम MRC बोलते हैं, जो दिव्यांग बच्चों के संग काम करता है, और ये बच्चा चूँकि अस्थि दिव्यांग है 10 वर्षीय, तो उससे संपर्क करवाया इनके अभिभावकों का, और फिर अब इस बच्चे का जो है वो एडमिशन सरकारी शासकीय रॉबर्ट लाइन में हो चुका है माध्यमिक में।